है छत्तीसगढ़ पी सी एस 2018 से लिए हुए जी एस के प्रश्न। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल लगेगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ऑप्शन है चेतक, बी तेजस, सी एस्ट्रा या डी ब्रह्मोस। इस प्रश्न का राइट आंसर है तेजस। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ऑप्शन है ए इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, बी इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, या सी इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, या डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सी इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन है ए एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है, बी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं, सी डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, या डी एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है बी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कमलीय विलयन का संभव पीएच मान है? ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9 या डी 6। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 6। अगला प्रश्न, किस जनजाति का नाम पर नाट प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मुरिया, बी बत्रा, सी वोल्दा या डी ध्रुवा। और इस प्रश्न का राइट आंसर है बी बत्रा। अगला प्रश्न है, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है ए कुरान, बी बैगा, सी गोंड या डी कन्वर। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी कन्वर। अगला प्रश्न, धूमकुरिया किस जनजाति का युवा ग्रह है? ऑप्शन है ए बैना, बी कमार, सी उरांग या डी नगेसिया। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सी उरांग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? ऑप्शन है ए सादरी, बी गोंडी, सी बत्री या डी हल्बी। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ए सादरी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? ऑप्शन है ए घनौची, बी हंडिया, सी कुंडेरा या डी कन्नौजी। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ए घनौची। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी साहित्य या डी फिल्म। और इस प्रश्न का राइट आंसर है डी फिल्म। अगला प्रश्न है, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांध्य का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है ए किसान, बी कुदाल, सी सुई धागा या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी सुई धागा। अगला प्रश्न है, परां भर लाई अगाज भर बरगाई का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है ए तारे, बी सूरजमुखी, सी फुलवारी या डी इनमें से कुछ नहीं। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ए तारे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम एक भाजी का नहीं है? ऑप्शन है ए करमाता, बी लाल, सी रमकेरिया या डी अमारी। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी रमकेरिया। अगला प्रश्न है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? ऑप्शन है ए घनवाद्य, बी शुशिर वाद्य, सी तंतु वाद्य या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी शुशिर वाद्य। अगला प्रश्न है, ककसार किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन है ए उरान, बी हलबा, सी मुरिया या डी नगेसिया। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी मुरिया।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए बलदेव प्रसाद मिश्र, बी उधम लाल पुन्ना लाल बख्शी, सी प्यारे लाल गुप्ता या डी गजानंद माधव मुक्ति मोध। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ए बलदेव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, बाबू रेवा राम कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है ए शिवरी नारायण, बी कुंदरमल, सी रतनपुर या डी राजिम। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सी रतनपुर। अगला प्रश्न है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए बस्तर भूषण, बी खूब तमाशा, सी श्यामा स्वप्न या डी दानलीला। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सी श्यामा स्वप्न। अगला प्रश्न है, श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा निर्माण कराया गया था? ऑप्शन है ए नारायण मंदिर, बी भोरम देव मंदिर, सी भांडल देव मंदिर या डी देवरानी मंदिर। और इस प्रश्न का राइट आंसर है बी भोरम देव मंदिर। अगला प्रश्न, अलबामा हिल स्थित है? ऑप्शन है ए बीजापुर अपलैंड के उत्तर में, बी बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, सी बीजापुर अपलैंड के पूर्व में या डी बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में। और प्रश्न का राइट आंसर है बी बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अगला प्रश्न है, मई माह के में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? ऑप्शन है ए पश्चिमी विक्षोभ, बी उत्तरी पूर्वी हवाएं, सी स्थानीय तापांतर या डी बंगाल की खाड़ी का चक्रवात। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी बंगाल की खाड़ी का चक्रवात। अगला प्रश्न, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आह्वान हुआ था? ऑप्शन है ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना शौकत अली, सी मौलाना आजाद या डी मौलाना रहमत अली। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी मौलाना शौकत अली। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था? ऑप्शन है ए 12, बी 7, सी 18 या डी 2। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 2। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में मंदिर हसौद रायपुर की किस महिला को भारत के मिस ट्रांस क्वीन के लिए चुना गया है? ऑप्शन है ए मनकी बोथरे, बी वीना सेंद्रे, सी सेल्वी या डी परिमा मांडिल। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी वीना सेंद्रे। अगला प्रश्न है, आनंदीबेन पटेल को किसने शपथ दिलाई जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा, बी न्यायमूर्ति एम एम श्रीवास्तव, सी न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी या डी न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न, दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई हैं? ऑप्शन है ए 18, बी 20, सी 11 या डी 13। और इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 13। अगला प्रश्न, भारतीय प्रबंध संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यर्थी ने 99.9% अंक अर्जित किए हैं? ऑप्शन है ए मोहित शर्मा, बी जयश्री बंसल, सी राकेश पद्यावत या डी राशि श्री श्रीमाल। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी राशि श्री श्रीमाल। अगला प्रश्न, पर्यटन मंडल में सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए दंतेवाड़ा, बी धमतरी, सी रायपुर या डी जशपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी धमतरी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है ए जल ऊर्जा, बी सोलर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा या डी तापीय ऊर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है? ऑप्शन है ए निर्माण, बी विनिर्माण, सी खनन एवं उत्खनन या डी विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति।
अगला प्रश्न, वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शंस है ए चूना पत्थर, बी लौह अयस्क, सी कोयला या डी बॉक्साइट। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सी कोयला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में मंडवा तेंदु भाटा ताप विद्युत ग्रह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन है ए 550 मेगावाट, बी 890 मेगावाट, सी 1000 मेगावाट या डी 1400 मेगावाट। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 1000 मेगावाट। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादन फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है? ऑप्शन है ए करवलथा, बी बालोद, सी दंतेवाड़ा या डी अंबिकापुर। और इस प्रश्न का राइट आंसर है बी बालोद। अगला प्रश्न, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है ए द्रविड़, बी आर्य, सी मुंडरी या डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का राइट आंसर है बी आर्य। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा के आयोजन में कुल अवधि कितने दिन की होती है? ऑप्शन है ए 15 दिन, बी 25 दिन, सी 75 दिन या डी 35 दिन। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 75 दिन। अगला प्रश्न है, बड़े भजन का राम नामी मेला किस माह में लगता है? ऑप्शन है ए माघ, बी भादो, सी पौष या डी फागुन। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सी पौष।